देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई प्रेस, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दबंग 3 के बाद सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की शूटिंग में जुट गए। यह फिल्म अगले साल ईद यानी 2020 में रिलीज होगी। तो वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार की भी एक फिल्म रिलीज होने वाली है ईद के मौके पर, और उस फिल्म का नाम है लक्ष्मी बॉम्ब। ऐसे में फिल्म क्रिटिक्स इसे दो बड़ी फिल्मों का क्लैश मान रहे हैं, जबकि अक्षय कुमार का इसे लेकर कुछ और ही कहना है। अक्षय कुमार ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि मैंने अपनी फिल्म का ऐलान पहले किया था, और वैसे भी ईद के मौके पर दो बड़ी फिल्में एक साथ क्यों नहीं रिलीज हो सकती। अक्षय कुमार का यह भी कहना है कि छुट्टी के दिनों में दर्शक खाली रहते हैं, और ऐसे में दो बड़ी फिल्मों को आराम से रिलीज किया जा सकता है। अगले साल 2020 ईद पर सलमान खान की राधे भी रिलीज हो रही है, और इसी मौके पर अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब भी। इन दोनों फिल्मों के क्लेश को लेकर फिल्म क्रिटिक्स चिंता में हैं। उन्हें डर इस बात का भी है कि अक्षय कुमार और सलमान खान जो बहुत अच्छे दोस्त हैं, कहीं फिल्म क्लेश की वजह से उनकी दोस्ती में दरार न पड़ जाए। हालांकि सलमान खान ने अभी इस क्लेश को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया है। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब मुंबई प्रेस, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।